एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, जितना मैंने इसका इंतज़ार किया है, बार बार ट्रैकिंग नंबर पे चेक किया कि ये कहाँ पहुँच गए, ये कहाँ पहुँच गए, ये कहाँ पहुँच गए, और फाइनली ये पहुँच गए। अस्सलामुअलैकुम शपैक गैंग, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपका भाई आ रहा है जैसे एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। आज वैसे हम करेंगे बड़ी ही मज़ेदार किस्म की अनबॉक्सिंग्स, नॉट बॉक्सिंग्स, अनबॉक्सिंग्स। और यार वैसे ये इतनी बड़ी चीज़ है, इसको आप लोग उतनी देर गेस करें तो मैं पहले दूसरी चीज़ खोलता हूँ फिर इसको खोलेंगे। वैसे मेरी जो इंस्टाग्राम ऑडियंस है वो इसको इसके डब्बे को देख के थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकती है कि ये क्या चीज़ है। जितनी देर हम इसको खोलेंगे उतनी देर आप जरा कॉमेंट्स के अंदर गेस करोगे ये क्या चीज़ होने वाली है, और बाद में फिर बताना जो आपने गेस किया था ये वो था या नहीं था। इससे शुरू करते हैं। कुर्बानी के जानवर की खाल लाना इस तो बहुत सौखा है। ये वैसे एक्सरसाइज मैट मैंने एक ऑर्डर किया था, और क्योंकि अब मैं इस तरह किस तरह दिखाऊं, जिस तरह दुकान वाले नहीं दिखा रहे थे बाजी बाजी कपड़ा बाजी कपड़ा बाजी, एक्सरसाइज करनी हो तो नीचे कुछ बिछाना पड़ता है कुछ बिछाना पड़ता है, तो मैंने कहा भाई एक एक्सरसाइज मैट ऑर्डर कर लेते हैं तो उससे ज़रा फिर ना बंदे को वो हो जाता है। अब ये एक्सरसाइज मैट, इस तरह वाली कोई भी एक्सरसाइज करनी हो तो उसके लिए भाई मैट बहुत ज़रूरी होता है। अब आते हैं हम अपनी दूसरी चीज़ की तरफ, और हो सकता है कि आपने उसको अभी तक गेस कर लिया हो। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, जितना मैंने इसका इंतज़ार किया है, बार बार ट्रैकिंग नंबर पे चेक किया कि ये कहाँ पहुँच गए, ये कहाँ पहुँच गए, ये कहाँ पहुँच गए, और फाइनली ये पहुँच गए। छुरी टोका रेडी, 3 2 1 बिस्मिल्ला। मैंने फिर इसको सीधा कर लिया, अभी जो ऊपर सारी टेपें लगी हुई हैं ये फिर निचली साइड से मुझे अभी इसको काटना पड़ेगा। भाई बंदा जज्बाती अन्ना भी ना हो। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, टोका हमने अच्छी तरह चला लिया है। आपका भाई आ रहे जैसे आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर कभी भी आपने बकरा ईद पे अपने बकरे या बड़ा जानवर कोई भी ज़बा करवाना हो तो मैं हूँ। इतना मैं श्योर हूँ कि अगर अभी तक किसी ने इस चीज़ को कमेंट्स में गेस किया होगा तो वो इंस्टाग्राम वाली जो मेरी फैमिली है उन्होंने ज़रा पक्का गेस मारा होगा। तो अभी हम इसको खोलते हैं, इससे पहले कि हम देर लगाई जाए, मैं आपसे ज़्यादा बेताब मैं हूँ उसको खोलने के लिए। क्या चीज़ आई है। तो आपके भाई का गिटार आ चुका है, और वैसे ना अभी शदीद किस्म का मैं बिगनर हूँ, मेरे ये गिटार पकड़ने से भी आपको पता लग रहा होगा। मुझे बजाना बजाना कोई नहीं आता भाई। गिटार की तरफ बाद में आते हैं, मैं आपको सारा बताता हूँ कि मैंने ये सिलेक्ट किस तरह से किया है, कहाँ से मंगवाया है, कितने का मंगवाया है, सारी चीज़ें मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। अब तक जो आप लोग देख रहे थे वो तकरीबन मैंने 3-4 दिन पहले शूट किया था, उसके बाद मैं कहीं पर थोड़ा सा बिज़ी हो गया था। तो ये एक मैंने मास्क ऑर्डर किया था चाइना से, और ये अब आया है। मुझे लग रहा था कि इसको आने में तकरीबन कोई 1.5 महीना लग जाएगा, लेकिन ये शायद अभी मुझे इसको ऑर्डर किए हुए 12-13 दिन हुए या इसे 1-2 दिन ज़्यादा हुए होंगे। ओहो वाह, ये पूरा मास्क है, और इसके साथ ये N95 लेयर है जो इसके अंदर अभी पता नहीं किस तरह लगाना है, और ये शायद इसके वो फिल्टर्स हैं जहाँ से सांस वांस लेते और छोड़ते हैं, ये मेरे ख्याल खुद सेट करना पड़ेगा। मानो चाइना से आया, ये मुंह ना लगा इसको। इसको मैंने सेट कर लिया, इसके फिल्टर्स वगैरह लगा लिए हैं, और अंदर जो है ये N95 इसके जो लेयर है वो भी लगा लिए। इसका मैंने मंगवाया क्यों था ये भी बताता हूँ। ऐसे लगा के इसको ये कान के ऊपर इस तरह, और फिर पीछे से, तो ये इस तरह से है कि ये पूरा मास्क आ गया। यहाँ पे ये कान के ऊपर भी है दोनों साइडों से, और फ़ायदा इसका ये है कि ये पीछे पूरा इसका जो है नज़र आ रहा है ना, हाँ पूरा इस तरह से ये पीछे बंद हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ये कानों के ऊपर इसका वो नहीं आता
कान अक्सर मास्क के अंदर कान खींच रहे होते हैं ना आगे की तरफ, इसमें वो नहीं होता, पीछे से ये इसका ये बंद हुआ है। और मैंने मंगवाया इसलिए था क्योंकि जब मैं लाहौर होता हूँ तो अक्सर मुझे बाइक वगैरह पे फिरना पड़ता है, तो मैंने ये सोच के ऑर्डर किया था कि अभी ना भी आया तो भाई खैर है, जब भी आ गया फायदे की चीज़ है। एक तो है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल अभी मुझे लगा के पता लग रहा है, और उसके बाद लग भी सेक्सी रहा है भाई, ऐसे जिस तरह ना ब्लैक मास्क के अंदर अभी बंदा बाइक पर जा रहा हो या बाइक पर ना भी जा रहा हो वैसे भी फिर रहा हो तो बड़ी मज़े की चीज़ है। खैर वापस चलते हैं अपने गिटार की तरफ, इसको मैं भी रखता हूँ, इसे अच्छी तरह से स्टीम वगैरह भी दूंगा। ओ मानो मानो बैक टू द मेन पॉइंट, और मेन है अपना गिटार। और अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि मैंने गिटार क्यों लिया है, किस तरह से ऑर्डर किया, किस तरह से मैंने ये गिटार सिलेक्ट किया और सारे जो माजरा इसके अंदर जो भी चला। पहली तो बात ये है कि भाई इस तरह की चीज़ों का मुझे शौक होता रहता है, ये मतलब ना एक एक कीड़ा कीड़ा मुझे शौक हुआ गिटार लेने का, और अभी कुछ ही दिन पहले, वैसे भी लॉकडाउन में बंदा अब नई नई चीज़ें बंदे को सीखनी चाहिए ना। हाँ शपैकी, शपैकी ने बाहर जाना है यार। मैंने लाहौर की कुछ गिटार शॉप सर्च की और उनसे मैंने बात बात की, लेकिन डीलिंग जिसे कहते हैं ना डीलिंग ज़ीरो, कस्टमर को आप अपने सेटिस्फाई नहीं कर सकते। खैर मैंने पुर कराया और फिर मैंने खावर से बात की, खावर अपना म्यूजिकल बॉय। खावर से मैंने बात की, मैंने कहा इस तरह गिटार लेना है तो किस रेंज में आएगा, मुझे कुछ अलिफ बे भी नहीं पता थी किस रेंज में आएगा, कहाँ से लेना है, क्या सीन है, कैसे इनकी क्वालिटी वगैरह क्या होती है या किस तरह से इनको सिलेक्ट करते हैं। खावर ने मुझे बताया कि एक तो होते हैं भाई कोई 4-5 हज़ार से लेके 6-7 हज़ार तक, वो इसलिए होते हैं कि अगर आपने सिर्फ उनको बैठ के शोधी मारने के लिए ऐसे ऐसे करना है या फिर पीछे रखना है तो ठीक है, अगर सीखना है तो फिर रेंज शुरू होती है तकरीबन कोई 12-13 हज़ार से एकोस्टिक गिटार, और ये भी एकोस्टिक गिटार है, इसकी तरफ बाद में आते हैं, तो यहाँ से रेंज शुरू होती है और वो फिर जितना आपका बजट है वो उतनी ऊपर जाती है। उसने मुझे बताई इस्लामाबाद में हाई वोल्ट से एक है गिटार शॉप कि वो बहुत अच्छी है, मैंने उनका पेज वगैरह देखा, उनकी साइट देखी, मैं मतलब मज़ा आया, हाँ क्वालिटी भी बहुत चीज़ों की अच्छी। फिर अपना जिगर खावर हाई वोल्ट्स गया, मैंने उसको कहा कि जो तुझे तेरे हिसाब से पसंद आए वो वाले गिटार्स की पिक्चर्स मुझे लेके और साथ में प्राइस रेंज ये वो चेक करके मुझे बता दे। खावर गया, उसने जाके ये गिटार था, उसमें कोई 4-5 और गिटार थे, तो कलर मुझे ये ज़्यादा पसंद आया, इसके अंदर एक था जिसमें ये सारी चीज़ शाइन थी, कलर सेम था लेकिन ये शाइन में था और ये मैट में, मैंने पसंद किया मैट में। तो भाई स्पेशल थैंक्स टू खावर, उसने मुझे ये सारा सिलेक्ट वगैरह करवाया, जाके देखा ये वो। फिर मैंने हाई वोल्ट्स वाले से खुद बात की और उनके डीलिंग ऐसे जिस तरह बंदे के दिल में लगती है ना, बहुत अच्छी डीलिंग। कुछ गिटार की उन्होंने मुझे तस्वीरें भेजी जो मुझे ऐसे भाई यही लेना है। अब ये जो है ये उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि अगर आप बिगनर लेवल से सीखने से स्टार्ट करना चाहते हो और बिगनर के बाद ये थोड़ा प्रोफेशनल लेवल तक भी ये गिटार जा सकता है, इसकी प्राइस है 18,500 और 1500 मुझे इसकी डिलीवरी पड़ी है, घर बैठे चीज़ मंगवानी हो तो थोड़े से तो पैसे लगते हैं ना भाई, तो ये मुझे पड़ गया पूरे 20,000 रुपये का। एकोस्टिक है, 20 से ऊपर मैं जाना नहीं चाह रहा था, तो इस प्राइस रेंज के अंदर ये बहुत बेहतरीन गिटार है। अभी मुझे बजाना बजाना नहीं आता भाई, अभी अभी मैं इसको सीख रहा हूँ, जिस तरह से आपके भाई ने 2-3 लेक्चर्स लिए हैं ऑनलाइन तो उनमें मुझे ये पता लगा कि भाई इसको लेके ऐसे बैठना कि ये जो कर्व है ये आपकी थाई के ऊपर आना चाहिए और फिर आपने इसको अभी ये कॉर्ड्स जो है ना ये मैंने नहीं सीखी और ये बहुत औखा होता है, लेकिन स्ट्रमिंग का एक मैंने सीखा वो मैं आपको बजा के दिखाता हूँ। 3-2-1 बस भाई, मेन सारा सीन होता है ये कॉर्ड्स को हैंडल करने का, जो मुझे अभी 0% भी नहीं आता, मुझे सिर्फ अभी स्ट्रमिंग करनी थोड़ी थोड़ी आ रही है लेकिन वो भी प्रॉपरली नहीं आती। वैसे भी मैं सिर्फ अभी ये इस तरह लेके और इसके साथ मैं ओ सीरी को लगा कि मैंने सीरी को बुलाया, अभी मैं सिर्फ वैसे ही हल्का फुल्का बजाना सीख रहा हूँ तो इसमें बहुत अच्छा खासा भाई टाइम लगता है लेकिन आ जाएगा। भाई मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत पसंद आया, साइड से सारा मैट वुड में और ऊपर से जो नेचुरल वुड का कलर होता है और इसके ऊपर सेल्फ थोड़ा सा सेल्फ वो वुड का डिज़ाइन है, इस तरह से नेचुरल वुड का सारा डिज़ाइन है और ये वाली जो चीज़ है ये थोड़ी सी डार्क के अंदर चली जाती है और यहाँ पे जो ये सारा कलर है ये वाला और इस तरफ जो सारा कलर है और बैक पे जो सारा कलर है वो सेम है। अब सोचो कि यहाँ पे जब शपैक लिखा जाएगा ना
ओए होए होए होए। इसका शशका ज्यादा नजर आएगा मेरे इंस्टाग्राम पे, क्योंकि वहां पे तो फिर रोज ही कोई लाइव स्टोरीज पोस्ट ये वो चलती रहती हैं। बट यहाँ भी कोई ना कोई, जब मैं सीखूंगा थोड़ा सा तो फिर साथ साथ यहाँ भी मैं आपको बताता रहूंगा। चलो खैर भाई, इस लॉकडाउन के अंदर शायद हम कोई नई चीज सीख पाएं, कोई अपने स्किल्स और टैलेंट के अंदर थोड़ा सा इजाफा कर पाएं। आप भी कुछ ना कुछ इस तरह का करो, मतलब गिटार ना लो, जो चीज़ का शौक है वो चीज़ लेके उसको ट्राई करो, उसको सीखो। शायद ये आप जो लोग यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल जाते हैं उनके पास तो मेरी तरह बहुत टाइम है, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं नई चीज़ें। खैर वीडियो पसंद आई हो तो मस्ट लाइक सब्सक्राइब कॉमेंट करना, कुछ भी दिल करे भाई को दुआओं में याद रखना है, और इंस्टाग्राम पर फॉलो मस्ट है बॉस। अल्लाह हाफिज़।